देखिए आज हम दिखाएंगे आपको वैट। वैट क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है ना। वैल्यू एडिड टैक्स जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसमें काम क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स में जो होता है, जैसे कि कोई भी दुकान वाला है जो अपना दुकान का सामान खरीदता है, वो लिया और लेने के बाद जो उसे बेचा, बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे हम बोल देते हैं, उसके अंडर आता है वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। वो उसके निकालने के लिए वैल्यू पेबल में निकालते हैं हम उसे, ठीक है। सबसे पहले अब हम दिखाएंगे इसमें एंट्री करके किस प्रकार से हम एंट्री करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कंपनी बना के रखी है, वैट के नाम से हमने कंपनी बना के रखी है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे वैट खोल के रख रहे हैं हम। वैट ओपन करते हैं। वैट ओपन करने के लिए F11 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। हमने F11 प्रेस किया, इसके बाद वैट में आए जिस कंपनी में हमने, इसके बाद क्या करा, इस साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वैट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टेली प्राइम में क्या होता है, टेली प्राइम में कभी कभी क्या होता है, यहाँ इसका वैट दिखाई नहीं देता। जैसे कि हम इसमें अभी बंद करके दिखाते हैं एक बार यहाँ इसका, कभी कभी जिसके में ना आए तो वो इस प्रकार से देख, देखो अब जब वैट नहीं आ रहा, और इसमें यदि और भी कम ऑप्शन है तो इसे भी बंद कर दो, ठीक है ना। सो मोर ऑप्शन सब इसमें हाइड हो गए वाले, ठीक है ना। अब इसमें फ्यूचर्स सारे खोलने के लिए पहले से यस करेंगे हम इस वाले को। ये एंटर किया, एंटर करने के बाद अभी भी नहीं आया, इसके बाद दोबारा से फिर यहीं इस पर भी ओके करेंगे, ठीक है ना। सो ऑल फीचर्स इसे भी हम ओके कर देंगे, इसके सारे फीचर्स हमने खोल दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फीचर ऑन कर लिए। अब इसके बाद करेंगे हम एंटर, एंटर करके इसे सारे को नीचे तक क्लियर करेंगे। यहाँ से का जो है हमारा GST था, हमें इसे नो करेंगे, GST को जो है हम नो कर लेंगे, ठीक है। नो करने के बाद इसके बाद यहाँ से करेंगे हम TDS पे, TDS पे आके इसे करेंगे हम यस, ठीक है। इसके बाद इसे कर लेंगे हम सारे को एक्सेप्ट, ठीक है। इस प्रकार से हम एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब ये हो गया हमारा एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम करेंगे एस्केप। एस्केप करने के बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेजर बना लेंगे। लेजर बनाने या तो हम लेजर साथ के साथ भी बना सकते हैं, लेजर पहले ही बना सकते हैं। देख कभी कभी कुछ में क्या होता है, लेजर पहले बना लेते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ से है लेजर पे, या हमने लेजर बना लिया। लेजर किस चीज़ के बनेंगे, जैसे कि एक तो लेने वाला होता है, ठीक है, जाहिर पे एक लेनदार कोई भी नाम होगा, एक देनदार, ठीक है, उसके दोनों का नाम हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा इनपुट और आउटपुट, और जो होता है हमारा वेल पेबल, ठीक है, जिसमें हमें पता लगता है कितना प्रॉफिट हुआ। ये तीनों लेजर ये तो पहले यहाँ बना लो इसमें, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे कि हम अभी आज आपको डायरेक्ट करके दिखाएंगे, यहाँ पे लेजर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे आएंगे हम, इसमें जाएंगे वाउचर्स में, ठीक है। डायरेक्ट यहीं पे आए, वाउचर पे आने के बाद यहाँ करेंगे F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ इसका सप्लायर का कोई भी इनवॉइस नंबर कोई नहीं है। इसके बाद यहाँ इसका जिसने जो बेच रहा है, देनदार जो भी है, उसका नाम डाल लेंगे। जैसे यहाँ इसका हम करेंगे अब ओल्ड सी से कोई भी नाम डाल लेते हैं हम, यहाँ जैसे सत्यम डाल लेते हैं, ठीक है। सत्यम हो गया, सत्यम किसके अंडर में आएगा, सेंडरी क्रेडिटर के अंडर आएगा, ठीक है। यहाँ इसका एक्सप्रेस किया और एस्केप, ये आ गया सेंडरी क्रेडिटर, ठीक है। जो भी हमारे देनदार हो गए वे सेंडरी क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने एंटर किया, एंटर करके इसे सारे को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ भी, ठीक है, इसे एक्सेप्ट करने के बाद इसे भी सारे को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से सारा एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा सेल्स जो हमने परचेज है, परचेज चल रहा है, तो परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा हमें सबसे पहले ओल्ड सी से, जैसे कि हमने ऑलरेडी ओल्ड सी करके रखा है। इसके बाद यहाँ लिख लेंगे हम परचेज, ठीक है। परचेज हो गया, परचेज किसके अंडर में आता है, परचेज आता है परचेज अकाउंट के अंडर में, ठीक है। इस प्रकार से हम परचेज डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या है, सर्विस हो रहा, सर्विस नहीं, यहाँ से क्या करेंगे हम गुड्स, क्योंकि हम सामान खरीद रहे बेच रहे, ठीक है। गुड्स में क्या होता है, गुड्स में सर्विस होती है। जैसे कोई भी चीज़, जैसे कि मान के चलो कोई किसी का भाड़ा वगैरह देना हो तो वो सर्विस होती है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद करेंगे हम ओल्ड सी, ओल्ड सी किया, ओल्ड सी में हम क्या करेंगे, हम सामान खरीद लेंगे, कोई भी सामान है, जैसे कि मान के चलो एप्पल खरीद लेते हैं हम, ठीक है। एप्पल हो गया, एप्पल किसके अंडर आता है, एप्पल यहाँ से हम लेजर बना लेंगे ओल्ड सी से, ठीक है। ये किसके अंडर आता है, ये फ्रूट्स के अंदर आता है, ठीक है। फ्रूट हो गया, फ्रूट के अंडर आएगा, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ इसका भी हम ऐसे एंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ भी एंटर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी हम ओल्ड सी से लेजर बना लेंगे, किसका, PCS का, ठीक है। PCS पीस में बेच रहे हैं हम, यहाँ भी और यहाँ भी हम पीस डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ इसका हम ऑटोमेटिक डाल लेगा ये, ठीक है ना, PCS डाला। इसके बाद यहाँ इसका एक पीस पीस में कितने होते हैं, 1, 2, 10 जितने भी होते हैं वो डाल लेंगे। यहाँ इसका हमारा जो है, तो यहाँ इसका पीस नहीं, यहाँ हम KG डालेंगे पहले, सॉरी, ठीक है। पीस में और किलो में क्या, पीस में होता है
जो चीज़ पीस में होती है, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये पीस में आते हैं, और जो केजी में होते हैं, ठीक है, यहाँ से काम डाल लेंगे केजी। ठीक है, ये हो गया केजी। केजी में होने के बाद यहाँ भी करेंगे हम केजी, किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा इस प्रकार से। यहाँ से काम कुछ नहीं, यहाँ एंटर मारेंगे, इस प्रकार से हो गया। फ्रूट्स जो आते हैं हमारे किलो में आते हैं, ठीक से इसके बाद एंटर करेंगे। इस कितने किलो फ्रूट्स है हमारा, जैसे कि हमने मान के चलो 40 किलो फ्रूट्स खरीदे। ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी होगी। रेट कितना हो गया, रेट जो हो गया हमारा है 50 रुपये किलो हो गया। ठीक है, एंटर करेंगे इस प्रकार से। जो अगला और बनाएंगे, जैसे कि मान के चलो दो और बना लेते हैं, मैंगो का बना लेते हैं। एंटर करेंगे, फ्रूट्स के अंदर आता है, केजी के आता है, सब सारा सेम रहेगा और एंटर एक्सेप्ट करा लेगा। इस प्रकार से ये भी हो गया। इसके बाद कितने रुपए का खरीदा हमने मैंगो, मान के चलो 50 रुपये का एक किलो खरीद लिया, सॉरी 50 किलो खरीद लिया मान के चलो। ठीक है, कितने रुपए खरीद लिया, ये भी हमने 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो जो चाहे डाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद कोई भी और एंट्री हो, जैसे कि मान के चलो अब की बार हम इसमें खरीद लेते हैं लैपटॉप ही खरीद लेते हैं, ओल्ड सी से बनाएंगे हम लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप हो गया। लैपटॉप किसके अंडर में आता है, लैपटॉप का जो अंडर होता है वो हार्डवेयर होता है। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप का जो होता है वो हार्डवेयर में ही आएगा। ठीक है ना, हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर में आने के बाद इसे भी हम करेंगे एक्सेप्ट। यहाँ इसका डालेंगे हम पीस, पीसीएस, ओल्ड सी से अभी आपने बताया था। ठीक है, पीसीएस में आया, यहाँ इसका पी, यहाँ इसका भी हम डाल लेंगे। ठीक है ना, पीसीएस पैकेट्स। ठीक है ना, इस प्रकार से इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। कितने पीस हैं हमारे, जो लैपटॉप के पीस हैं वे हमारे 20 हैं। ठीक है, कितने रुपए का एक लैपटॉप खरीदा हमने, हमने खरीदा 10,000 रुपये का। इस प्रकार से इसके बाद एक और डाल लेते हैं हम, जैसे कि मान के चलो कुछ भी डाल लो, हार्ड डिस्क, रैम, एसएसडी। चलो इसमें हम एसएसडी का बनाते हैं, एसएसडी। ठीक है, एसएसडी किसके अंडर में आती है, ये हार्डवेयर के अंडर आती है। ठीक है, पीस में बिकेगी, इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, कितनी एसएसडी, एसएसडी भी जो है हमारी 20 है। ठीक है, एक एसएसडी कितने की, 1,000 रुपये की है हमारी एक एसएसडी। इस प्रकार से हम बना लेंगे। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ बनाएंगे हम एक लेज़र और ओल्ड सी से। ठीक है, यहाँ इसका किस चीज़ का बनाएंगे हम, इनपुट का। ठीक है, इनपुट का लेजर हो गया। इस इनपुट किसके अंडर आती है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, इस प्रकार से हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो भी टैक्स होंगे, जितने भी टैक्स होंगे हमारे, ये सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से इसे हम अदर ही कर रखेंगे। यहाँ से हम परसेंटेज साथ में ही भरना चाहें तो साथ में भर सकते हैं, नहीं तो देखो आगे ऑटोमेटिक भर के दिखाएंगे हम, या तो यहाँ भर लो या वहाँ। ठीक है, ठीक है, जैसे देखो आप जो यहाँ क्लिक कर लिया, क्योंकि यदि हम वहाँ परसेंट भरते तो ये यहाँ क्लिक ना मांगता, तो इसीलिए यहाँ हमने जो इनपुट की टैक्स वो है वो हम खरीदते कितने परसेंट में, 5% में खरीदा मान के चलो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक परसेंट का सिंबल आ गया, इसे करेंगे हम एक्सेप्ट। ठीक है, नैरोशन में यहाँ कुछ लिखना था तो लिख सकते थे, नहीं तो एक्सेप्ट करा दिया। इसके प्रकार से हमने कोई भी जो भी सामान था हमने खरीद लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे F8 प्रेस। F8 प्रेस करने के बाद अब हम इसे बेचते हैं। ठीक है, किसी को भी बेचते हैं, जैसे कि मान के चलो अब यहाँ पार्टी नेम मांग रहा, पार्टी नेम कोई भी डाल दो, हम ओल्ड सी से कोई नाम बना लेंगे। जैसे कि मान के चलो हम डाल लेते हैं रिंकू। ठीक है, रिंकू को हमने बेच दिया। रिंकू किसके अंदर आएगा, ये भी सैंड्री डेबिटर्स, ये आएगा सैंड्री डेबिटर्स के, वो क्रेडिटर था तो ये डेबिटर्स आया। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। ये भी हो गया हमारी एंट्री क्लियर। इस प्रकार से इसे भी करेंगे हम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर देंगे, या भी कंट्रोल ए कर दो, या फिर इसे भी यहाँ से भी। ठीक है, इस प्रकार से हम, यहाँ का आएगा हमारा लेजर। लेजर किस चीज़ का बनेगा, सेल्स का। ठीक है, यहाँ का ओल्ड सी से बनेगा। ठीक है, सेल्स हो गया। सेल्स किसके अंडर आता है, सेल्स होता है सेल्स अकाउंट के अंडर। ठीक है ना, ये हमारा सेल्स अकाउंट हो गया। इस प्रकार से हम डाल लेंगे। ठीक है, सेल्स में भी यहाँ भी हमने सर्विस नहीं, गुड माल खरीदा बेचा जो भी है वो डाल लेंगे। ठीक है, सर्विस में तो सर्विस मांगता है। इसके बाद यहाँ पे लाने के बाद स्पेस प्रेस करेंगे। स्पेस प्रेस करने के बाद एप्पल लेंगे सबसे पहले एप्पल। ठीक है ना, किस रेट में खरीदे थे, जो हमने एप्पल खरीदे थे वो हमने 50 रुपये खरीदे थे। ठीक है ना, और इसके बाद अब की बार जो हम एप्पल यानी कितने किलो, 50 किलो खरीदे थे, और किस भाव में खरीदे थे वहाँ, 50 में, सॉरी 40 में किलो खरीदे थे, क्योंकि 10 नेगेटिव आ गया था। ठीक है, इसमें 40 किलो जो है हमारा एप्पल है, 40 किलो एप्पल है, तो किस रेट में खरीदे थे, जो हमने खरीदे थे 50 रुपये किलो में खरीदे थे। अब की बार जो बेचेंगे वो हम
कुछ बढ़ा के बेचते, चलो इसमें 65 कर लेंगे, ठीक है 65 रुपये की के जी हो गया हमारा। इसके बाद 65 में बेच दिए। अगली एंट्री जो है हमारी लैपटॉप की दिखा इसने, ठीक है तो लैपटॉप में आ गया। लैपटॉप कितने रुपए का एक खरीदा था हमने, लैपटॉप जो हमने खरीदे थे वे 20 लैपटॉप खरीदे, पहले हम 20 लैपटॉप डाल लेते हैं। इसके बाद कितने रुपए का एक खरीदा था हमने, 10,000 का एक खरीदा था, हम डाल लेंगे यहाँ 12,000 रुपए का एक, ठीक है। इस प्रकार से हमने 12,000 रुपए का एक लैपटॉप बेच दिया। इसी प्रकार से हम फिर से स्पेस करेंगे। इसके बाद आ गया हमारा मैंगो आम है। आम किस रेट में खरीदे थे हमने, जो आम हमने जो खरीदे थे 50 किलो खरीदे थे, 40 किलो या 50 किलो हमने आम खरीदे थे, डाल के देख लेते हैं। जैसे कि एंटर करा, हाँ 50 केजी आया था, नहीं तो नेगेटिव दे देता यहाँ भी, ठीक है। इस प्रकार से तो ये भी याद रखने पड़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ हमने कितने रुपए में बेच दिया, से मान के चलो यहाँ वहाँ तब हमने 60 में खरीदा, तो यहाँ 70 में बेच देते हैं हम, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं हम 70, एक्सेप्ट करा, ठीक है। इसके बाद हमारी एक सामान और रह गया, क्या है, SSD, ठीक है। SSD जो है हमारी लैपटॉप में लगती है। इसका कितना रुपए हो गया, ये हमने कितने खरीदे थे, ये भी हमने लैपटॉप के साथ में 20 खरीदी थी, ठीक है 20। एक हार्ड डिस्क कितने रुपए में खरीदी थी, 1,000 में, तो यहाँ कितने रुपए में बेच देंगे हम, 1,200 रुपये में। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ आ गए नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ करेंगे अब हम ओल्ड सी से लेजर, ठीक है आउटपुट का, ठीक है ठीक है। आउटपुट का लेजर बना लिया हमने। यहाँ का जो आउट होता है ये किस में आएगा, वही जैसे कि आया था उसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा ये भी। इस प्रकार से ये भी डाल लिया अदर, ठीक है यहाँ पे अदर ही रहने देगा। इसके बाद जैसे कि हमने वहाँ दिखाया था उसमें बाहर लाके इसमें आप डाल लेते हैं अंदर ही, ठीक है। यहाँ कितने परसेंट डाल लेते हैं, 10, ठीक है। इस प्रकार से हम डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 10% दिया, लेकिन इसने क्या करा, इसने अपने आप नहीं उठाया, ठीक है। इस प्रकार से हम एक बार इसमें देखते हैं दोबारा से, ओल्ड सी करेंगे एक बार और, हम इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करके दोबारा देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम रही। अदर पे रखेंगे, इसके बाद यहाँ भी ऐसा ही रखेंगे, इसके बाद GST, ठीक है। इसमें क्या रहा था, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ इसका 10% देखो आपकी बार आ गया, ऑटोमेटिक आ गया 10% बढ़ते ही। इस प्रकार से दिखाया था ना, इसका जो हमारा आउटपुट भी आ गया, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ नैरोसन में कुछ लिखना तो लिख सकते हैं, इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम करेंगे एक बार इसे देख लेते हैं, हम कितने रुपए में खरीदा कितने रुपए में बेचा टोटल अमाउंट, ताकि हम इसका वो निकाल सके, ठीक है। तो हम करेंगे एक बार पेजअप। पेजअप करने के बाद जैसे कि हमने सेल्स कितने रुपए में करा, हमने ये बेचा कितने में, 2,97,110 रुपये, ठीक है ना, इतने रुपये में हमने बेच दिया हमने, ठीक है। इस प्रकार से हम करने के बाद इसके बाद एक बार पेजअप और करेंगे। पेजअप करने के बाद देखते हैं हमने खरीदा कितने में था, तो हमने जो खरीदा था 2,33,362 रुपये में खरीदा था, ठीक है ना। इस प्रकार से 2,33,362 रुपये में हमने खरीदा, ठीक है। इस प्रकार से अब हम लेके जाएंगे सर F7 के अंदर। F7 में आएंगे, F7 में कोई एंट्री पहले से ही हो रही है जैसे कि है, इसे हम करेंगे डिलीट ऑल्ट डी से, ये हमारी एंट्री डिलीट होगी। इस प्रकार से हम जो हमारा सामान है, सबसे पहले हम करेंगे इनपुट। इनपुट जो था हमारा कितने रुपए में हुआ, इनपुट किया था हमने ये जैसे कि अभी आपने देखा था 2,33,362 रुपये में, तो हम यहाँ डाल लेते हैं 2,33,362 रुपये, इसमें हमने खरीदा था। इसके बाद बेचा कितने में हमने, आउटपुट में डाल लेंगे हम, ये वाला था हमारा आउटपुट, ये चला था, ठीक है। इसमें डालेंगे हम कितना, 2,97,110 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से अब दोबारा से फिर डेबिटर आ गया। इसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ बनाएंगे हम वेल टेबल का वैल्यू, ठीक है ऑल्ट सी से, ऑल्ट सी से, ठीक है ना। तो हमारे वेल पेपल का लेजर बन जाएगा। इस प्रकार से हम इसे भी हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, अदर ही रखेंगे। नो इसमें भी डाल लेंगे हम कितने, जो भी हमें डालना हो, जैसे परसेंट कोई डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। इस प्रकार से हम एंटर करेंगे। यहाँ इसका क्या हुआ, यहाँ इसका दिखाया हमने, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 63,748 रुपये का जो है हमें इसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं वैल्यू एडेड टैक्स का जो भी हमारा बिल है, उसे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतने रुपए में खरीदा हमने, इनपुट किया इतने में, आउटपुट किया इतने में, और जो हमारा प्रॉफिट आया वो ये आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका बैलेंस, ठीक है। इसे करेंगे हम एक्सेप्ट,
ठीक है ना, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद करेंगे एस्केप। एस्केप करने के बाद अब हम जाएंगे इसे लेके सबसे पहले डिस्प्ले पे, ठीक है। डिस्प्ले पे जाके हम ट्रायल बैलेंस या डेबुक दोनों में देखते हैं एक बार क्या फर्क दिखागा। देखो इसमें भी सेम आ गया नीचे, क्योंकि 2,57,110 रुपये आना चाहिए, उसमें भी सेम दिखा रहा है और ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस में भी आ जाएगा, तो हम जो देंगे डिस्प्ले डेबुक का देंगे, ठीक है। इस प्रकार से करके हम ओल्ट भी करके इसका प्रिंट भी चेक कर सकते हैं, जैसे कैसा प्रिंट आया होगा। प्रीव्यू देखते हैं हम इसका, प्रीव्यू हमारा इस प्रकार से आता है, ठीक है। देख कितने रुपये हमारे आए, जो है हमारे ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। ओके।